देश भर में आज से एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों की लड़ाई को अदालत तक लेकर जाएंगे, इसके लिए भले ही सरकार उन्हें नौकरी से निकाल दे। गौरतलब है कि कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि कच्चे कर्मचारी हड़ताल का मतलब त्यागपत्र समझे, लेकिन कर्मचारी धरने पर बैठ चुके हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें पक्का करे वह समान वेतन दे, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम है और सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई तरह के वायदे किए थे, लेकिन अब उन वायदों को पूरा नहीं किया जा रहा। देखो, जितने भी प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी हैं, ये काफ़ी समय से नियमित करने की मांग है कि हमारे लिए रेगुलेशन की पॉलिसी बनाओ और हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए। हम लोग इस संदर्भ में काफ़ी बार गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार भी कर चुके हैं, लेकिन वो कोई भी लिखित में हमारे को देने को तैयार नहीं है, जिस कारण आज हमें मजबूरन इस हड़ताल पर बैठना पड़ा है। और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं। हमारे कल भी एमडी एनएचएम के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन वो वार्ता विफल रही है। सरकार की तरफ से हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते आज मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और सारे स्टाफ को जहाँ पे आके बैठना पड़ा। इसको लेकर लोगों को दिक्कत ना आए, पहले तो सभी एनएचएम कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो एनएचएम से संबंधित हैं, उनको अच्छी तरह से बता दिया गया है, समझा भी दिया गया है कि भाई अब ये जो स्ट्राइक करने का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। आप जो बातचीत के जरिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले भी आपको ये जो आश्वासन दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली सारी आपकी डिमांड्स को डिस्कशंस के बाद माना जाएगा। किंतु स्ट्राइक करने से जो सुव्यवस्था है गरीब लोगों के लिए, जो व्यवस्था है, जो गंभीर रोगी हैं उनको प्रॉब्लम आने की हमेशा अंदेशा रहता है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी आता है, एथिक्स भी आते हैं, इन सब को देखते हुए आप स्ट्राइक ना करें। अंबाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।